नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। शनिवार को रामनगर में कोसी रोड स्थित पायते वाली रामलीला मैदान में उत्तराखंड महिला मंच, समाजवादी लोक मंच और अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में UCC को रद्द किए जाने की मांग को लेकर जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जन सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वरिंद्रा गोवर ने भागीदारी करते हुए सरकार के इस फैसले का विरोध कर इसे वापस लेने की मांग की। जन सम्मेलन में मौजूद वक्ताओं ने कहा, सरकार को इस कानून को लागू करने से पहले जनता से राय लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, आज प्रदेश महिला हिंसा के साथ ही पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। तरुण जोशी, वन पंचायत संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड। देखिए, आज यहाँ पर लगभग 10 से ज्यादा संगठन है और राजनीतिक दल भी है जो इकट्ठा हुए हैं और इस बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि उत्तराखंड सरकार जो पिछले काफी समय से ये प्रचारित कर रही है कि उन्होंने राज्य में UCC का ड्राफ्ट बना दिया है, पहले वो देश के भीतर राज्य है जो UCC को लागू करेंगे और राज्यपाल और राष्ट्रपति से उसमें जो है समर्थन की भी बात वो कह चुके हैं। हालांकि अभी लागू करना था उनको और वो लागू नहीं कर पाए कुछ कारणों से। तो एक तो हम लोग आज हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट की बहुत जो है चर्चित वकील है वृंदा ग्रोवर जी, वो हमारे बीच में मौजूद है। और वृंदा ग्रोवर जी, एक तो हमने यहाँ पे इसलिए बुलाया कि हम समझ सके कि जिस UCC को लागू करने की बात सरकार कर रही है वो आखिर में है क्या। सरकार ने ये कहा है मोटे तौर पर इसके भीतर कि जब ये लागू होगा तो एक से नियम हो जाएंगे, एक से ये कायदे, एक से कानून हो जाएंगे, जिसमें चाहे वो विवाह की बात हो, चाहे तलाक की बात हो, वो महिलाओं के लिए जो है हकों की बात हो, उन सब में समानता आएगी। निश्चित रूप से ऊपर से देखने में ये बात जो है बहुत बेहतर लगती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन इसमें अंदरखानी क्या छिपा हुआ है, किस तरह से जो हमारे पूरे देश की और हम अगर अपने राज्य की बात भी करें तो हमारे राज्य में भी इतनी सारी विविधता है कि आप देखेंगे 5 तरीके की जनजातियां हैं जिनके बिल्कुल अपने अलग अलग कस्टम हैं, अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, उनके शादी करने के तरीके अलग हैं, उनके उत्तराधिकार के जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग हैं, संपत्ति के विभाजन के तरीके बिल्कुल अलग हैं, और फिर इसके अलावा इतने सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने इन कस्टमरी लॉज में जी रहे हैं। जी, हमारी मांग है कि जो जिस ढंग से UCC को लागू किया जा रहा है इसके ऊपर पहले लोगों के संग बातचीत की जाए, ये देखा जाए कि जिन जिन के हित इससे प्रभावित होने वाले हैं उन लोगों की इसके भीतर क्या राय है, क्या वो वास्तव में चाहते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के भीतर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, या फिर जिन कानून के भीतर वो अभी तक चल रहे थे उनमें क्या खराबी है। तो इस तरह के एक डिस्कशन हो, इस तरीके की चर्चाएं हो, लोगों के बीच में ये ड्राफ्ट आए और उसके बाद उसमें जो बेहतर चीज हो, मान लीजिए कि अगर एक कानून आया था कि संपत्ति के अधिकार का, और संपत्ति के अधिकार में ये कहा गया था कि लड़कियों को भी उसी तरीके से बराबर की भागीदारी मिलेगी जिस तरीके से लड़कों को मिलती है, ये स्वागत योग्य कदम है। तो अगर इसके भीतर जो स्वागत योग्य कदम है उनको निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि जितने स्टेक होल्डर है उन सबके बीच में वार्ता करने के बाद इसको लागू करने की बात की जाए। वहीं दूसरी ओर, प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी 15 संस्थाओं की संयुक्त पहल पर आज से राज्य स्तर पर 2 दिवसीय पक्षी गणना का काम शुरू हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढीला रेंज में नेचर साइंस इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स के साथ मिलकर राजकीय इंटर कॉलेज ढीला के 30 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। पक्षी विशेषज्ञ मनोज शर्मा ने बच्चों को बताया कि कॉर्बेट क्षेत्र में पक्षियों की करीब 600 प्रजातियां पाई जाती है, इसमें 350 के आसपास स्थानीय पक्षी और करीब 250 के करीब प्रवासी पक्षी शामिल हैं। विशेषज्ञ ने बच्चों को बताया, पक्षी विशेष रूप से जाड़ों के मौसम में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं और गर्मी की शुरुआत होते ही अपने गृह क्षेत्रों को लौट जाती हैं। प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन पक्षी, एशियन पैराडाइज, स्विफ्ट आदि शामिल हैं। वहीं अनिल चौधरी ने बताया, कॉर्बेट में भौगोलिक सुधार के चलते समाप्त हो चुके गिद्ध फिर से दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान में ढीला रेंज में ही 150 से अधिक गिद्ध पाए जाते हैं। पार्क के अलग अलग क्षेत्रों में 3 अन्य दुर्लभ पक्षी भी दिखे हैं, जिसमें साइबेरिया रूबी थ्रोट, सिल्वर ईयर मोइसिस और चाइनीज रूबी थ्रोट पक्षी जो लेह लद्दाख में पाई जाती है शामिल हैं। उत्तराखंड के भीतर आज और कल 16 नवंबर और 17 नवंबर को चिड़ियों की गणना हो रही है और
हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के विद्यार्थियों के टीचर ऑफ साइंस इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं और हमारे 30 विद्यार्थियों का दल इस काम में लगा हुआ है। वरिष्ठ पक्षीविद मनोज शर्मा जी, अनिल चौधरी जी और राशिद जी एवं अनेक अन्य जन हमारे साथ हमको बतौर हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं जिम्स जंगल रिट्रीट में नेचुरलिस्ट हूं। आप नमिषा जी हैं और आप जय हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में 2 दिन के लिए पक्षियों की गणना चल रही है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसे मौके पे आगे बढ़ चल के हिस्सा लें। और यहाँ पे तो ख़ास अवसर ये है कि ढेला गांव के अंदर जो हमारे यहाँ स्कूल है ढेला इंटर कॉलेज, इसके बच्चे जो हैं वो हमारे साथ हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम बच्चों के साथ बात कर पा रहे हैं और इतने इम्पॉर्टेंट विषय पे जो कि बर्ड्स का विषय है, जो कि हमारे पर्यावरण के सूचक हैं। हमें पता लगता है कि बर्ड की जनगणना करने से या संख्या गिनने से या कितनी प्रजातियां हैं जो हमने आज देखी, तो अगर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि ये पिछले साल से या पिछले 10 सालों में बढ़ा है या कम हुआ है, तो हमें पता लगता है कि हमारे एरिया में पर्यावरण अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि योगदान करने की ज़रूरत थी और हमें सौभाग्य मिला इसमें हिस्सा बनने का। मैं चाहूँगा कि प्रदेश में सब जगह पे लोग बढ़ चढ़ के ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लें और ख़ासकर बच्चों के साथ एंगेज करें। आज हम वर्ल्ड काउंटिंग पे गए थे, जहाँ हमें एक फील्ड के सामने एक जंगल पे ले जाया गया। वहाँ हमने बहुत सारी चिड़ियाँ देखी, उनके नाम जाने और फीमेल मेल्स के बारे में कलर्स देख के उनका अनुभव करने सीखा। और क्या कहते हैं, बहुत सारी उन्होंने हमें चिड़ियाँ के नाम बताए, उसके बाद बहुत सारे उनके नाम और कलर्स फीमेल मेल्स का अनुभव करने को मिला। और ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।